नमस्कार, मैं डॉक्टर शेखर ग्रेटर नोएडा से। गांधी जयंती के अवसर पर आज मैं एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहा हूँ। ये विषय है गांधी, श्रम, राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राजनीति में एक राष्ट्र निर्माता के रूप में गांधी जी का उदय और भारत में एक संभावित राजनीतिक शक्ति के रूप में मजदूर वर्ग का उदय 1920 के दशक में लगभग एक साथ हुआ। हालांकि गांधी मुख्य रूप से राष्ट्रीय राजनीति और स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े थे, उन्होंने श्रमिक समस्याओं और औद्योगिकरण के बारे में भी व्यवस्थित विचार विकसित किए। उन्होंने श्रमिक आंदोलन और संगठन के मुद्दे पर एक विशिष्ट दृष्टिकोण विकसित किए और अपने दृष्टिकोण के माध्यम से वह राष्ट्र निर्माण के लिए श्रमिक वर्ग द्वारा उत्पन्न हुए समस्याओं को हल करने के लिए अपने अनोखे तरीके से प्रयास कर रहे थे। प्रथम युद्ध के बाद की अवधि में श्रमिक आंदोलन ने श्रमिक आंदोलन के रूप में एक निश्चित आकार लेने में अपनी धीमी शुरुआत की। इसने कुछ संगठनात्मक प्रगति करना भी शुरू कर दिया था। सबसे बड़ी बात 1920 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना थी। और दिलचस्प बात यह है कि उसी समय राजनीतिक आंदोलन भी तेज होना शुरू हो गया था। गांधी जी के नेतृत्व में इसे नई गति और जनाधार मिल रहा था। राजनीतिक आंदोलन के नेताओं के लिए जो मूल रूप से स्वतंत्रता आंदोलन के कार्य में लगे हुए थे, यह स्पष्ट था। तो फिर सवाल यह है कि इस बढ़ते मजदूर आंदोलन को किस रूप में लिया जाए, इन दोनों आंदोलनों के बीच क्या संबंध होना चाहिए, क्या राजनीतिक जन आंदोलन का मतलब श्रमिकों का आंदोलन भी है। ये प्रश्न हालांकि स्पष्ट थे, गांधी जी के ध्यान से बच नहीं पाए। हम बताएंगे कि गांधी गैर क्रांतिकारी तरीके से और प्रचलित पारंपरिक मूल्यों के ढांचे के भीतर मजदूर वर्ग के पुनः समायोजन की धीमी प्रक्रिया के पक्षधर थे। गांधी जी ने अहमदाबाद में संघर्षरत श्रमिकों के लिए लिखे पहले 15 पर्चियों में श्रमिक आंदोलन के प्रति अपनी नैतिक समर्थन व्यक्त की। इसके अलावा 1920 में उन्होंने पूरे भारत में विभिन्न स्थानों पर कई कार्यकर्ताओं की बैठकों में भाषण दिया। ये साथ ही श्रमिकों की समस्या पर यंग इंडिया, हरिजन, गुजराती और अन्य पत्रों में उनके लेख भारत में श्रमिक आंदोलन के बारे में मुख्य जानकारी देते हैं। ऐसा लगता है कि उनके तर्क के निम्न तत्व है। पहला तर्क गांधी जी का, गांधी श्रम को उत्पादन के कार्य को फैक्टर में से एक मानते थे, इसलिए श्रमिक उचित रूप से केवल वही दावा कर सकता है जो उनका देह है, लेकिन इससे अधिक नहीं। मद्रास में श्रमिकों की एक बैठक में मजदूरों के अधिकारों और कर्तव्यों पर भाषण में गांधी ने कहा कि श्रमिकों का कर्तव्य काम करना है, इसी से उन्हें उनकी मजदूरी मिलती है। उनका अधिकार उचित वेतन पाना है ताकि वे अपना भरण पोषण कर सके और अपने बच्चों को शालीनता से शिक्षित कर सके। मालिक का कर्तव्य यह देखना है कि श्रमिकों की आवश्यकताएं पूरी हो। उन्होंने बार बार श्रमिकों से यह महसूस करने के लिए कहा कि जिस तरह से पूंजीपतियों की जरूरत है, उसी तरह पूंजीपतियों को भी उनकी जरूरत है। एक दूसरे पर दोनों निर्भर है। दूसरा तर्क, गांधी जी का मानना था कि समाज में श्रम की एक बड़ी शक्ति है, लेकिन श्रमिकों की यह शक्ति उनकी आत्मचेतना के संयोजन और विकास में निहित है। एक खदान श्रमिकों की बैठक से पहले एक भाषण में गांधी जी ने कहा, यदि श्रमिकों को केवल यह पता होता कि वे प्रशिक्षण और बुद्धिमानी द्वारा अपने लिए क्या कर सकते हैं, तो वे महसूस कर सकते हैं कि वे मैनेजमेंट और शेयर धारकों की तुलना में खदानों के कम मालिक नहीं हैं। फिर 1947 के अंत में मिटिया बुर्ज में श्रमिकों की एक सभा के सामने उन्होंने आशा व्यक्त की कि श्रमिकों को धार्मिक आधार पर विभाजित नहीं होना चाहिए,
क्योंकि वे सभी मजदूर थे। उन्होंने कहा, गांधी जी ने कहा, वह पूंजी और श्रम के बीच मेल चाहते थे। वे सहयोग में अद्भुत काम कर सकते हैं, लेकिन ऐसा तभी हो सकता है जब श्रमिक स्वयं सहयोग करने में बुद्धिमान हो और फिर सम्मानजनक समानता के संदर्भ में पूंजी के साथ सहयोग की पेशकश करें। पूंजी ने श्रम को नियंत्रित किया क्योंकि वह संयोजन मैनेजमेंट की कला जानती थी। इस प्रकार वह न केवल चाहते थे कि श्रमिक अपनी सारी ताकत और क्षमता का एहसास करें, आपस में एकजुट हो, बल्कि साथ ही उन्होंने उनसे पूंजीपतियों को सहयोग की पेशकश करने के लिए भी कहा। इस प्रकार श्रमिकों के बीच समन्वय और उनके और पूंजीपतियों के बीच सहयोग अहिंसक समाज का सबसे महत्वपूर्ण आधार होना चाहिए, ऐसा गांधी जी मानते थे। यह ऑटोमेटिक रूप से इस मामले पर गांधी के विचार में अन्य महत्वपूर्ण तत्व की ओर ले जाता है। गांधी जी वर्ग युद्ध के विचार के विरोधी थे। उन्होंने बार बार इस बात पर जोर दिया। अहमदाबाद में श्रमिक संघ के गठन पर विचार कर रहे मालिकों की एक सभा में एक भाषण में गांधी जी ने बहुत स्पष्ट कहा, उनके सब उन लोगों के लिए जो यह मानते हैं कि हम जो यूनियन स्थापित कर रहे हैं उनका उद्देश्य मिल मालिकों से लड़ना या उन्हें मजबूर करना या वे इनका दुरुपयोग करेंगे, ऐसे उद्देश्यों के लिए यूनियनों को मैं सलाह दूंगा कि प्रस्तावित यूनियन में बिल्कुल भी शामिल न हो। मैंने अपने जीवन में मालिकों को अपमानित करने या उनके हितों को नुकसान पहुंचाने के लिए कभी कुछ नहीं किया है और मैं कभी भी खुद को इसका साधन नहीं बनने दूंगा। गांधी जी वर्ग संघर्ष के विचार को अस्वीकार इसलिए नहीं कर रहे थे कि शोषकों और शोषितों के बीच सहयोग होना चाहिए, बल्कि उन्होंने शोषण की अवधारणा पर ही सवाल उठाया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि वर्ग संघर्ष का विचार मुझे पसंद नहीं है। भारत में वर्ग युद्ध अपरिहार्य नहीं है। यदि हमने अहिंसा के संदेश को समझ लिया है तो इसे टाला जा सकता है। गांधी जी ने न केवल वर्ग संघर्ष को अस्वीकार किया, उन्होंने श्रमिकों और मैनेजमेंट के बीच किसी भी संघर्ष में हिंसा के इस्तेमाल को भी खारिज कर दिया। इस प्रकार सच्चा श्रमिक सत्याग्रही अपने नियोक्ताओं से कहेंगे कि वे उनकी न्यूनतम मांगे मान ले या उनके बिना भी ही काम चला ले, इस बीच उन्हें कष्ट सहना होगा। कभी कभी गांधी जी मालिकों को यह समझाते थे कि आंदोलन का उद्देश्य उनके खिलाफ नहीं था। इस प्रकार मालिकों से आग्रह करते हुए कि अपनी सारी संपत्ति को एक अमानत के रूप में रखें जिसका उपयोग केवल आपके लिए पसीना बहाने वालों के हित में किया जाए और अपने मजदूरों को अपनी संपत्ति में सहभागीदार बनाएं। इस संबंध में गांधी जी ने एक और बात कही। उन्होंने कहा कि मैं जो एकमात्र मंजूरी सोच सकता हूं वह पिता और पुत्र के रूप में आपसी प्रेम और सम्मान का है, न कि कानून का। इस तरह की हड़तालों के विरोधी नहीं थे, हालांकि वे ऐसा कुछ विशेष परिस्थिति में ही करते थे। गांधी जी ने सहानुभूतिपूर्ण हड़तालों को श्रमिकों का नैतिक अधिकार के रूप में स्वीकार किया, लेकिन साथ ही उन्होंने सरकार को शर्मिंदा करने के लिए जानबूझकर की जाने वाली ऐसी हड़तालों के खिलाफ चेतावनी भी दी। गांधी जी ने राजनीति की सर्वव्यापी प्रकृति को भी स्वीकार किया और मजदूरों से नागरिकों के रूप में राजनीति की समझ हासिल करने का प्रयास करने का आग्रह किया। असहयोग आंदोलन के दौरान उन्होंने विदेशी वस्त्रों का त्याग कर अहिंसा का पालन करते हुए अपने परिवार के साथ महान राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने को कहा। गांधी जी ने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि श्रमिकों को संबंधित उद्योग के प्रति प्रतिबद्धता की मजबूत भावना विकसित करनी चाहिए। लगभग जब भी वे श्रम के विषय पर कुछ भी कहते थे तो वे इस बात पर जोर देते थे कि न तो श्रमिक और न ही पूंजीपतियों को ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे महान उद्योग के स्वस्थ अस्तित्व या विकास पर बुरा प्रभाव पड़े, कि श्रमिकों को उद्योग को अपना मानना चाहिए एक पूंजीपति के रूप में, एक मालिक जैसे। अतः हम जानते हैं कि गांधी जी ने जो भी अपने विचार मजदूर आंदोलन, श्रमिक और राष्ट्रीय एकीकरण पर दिया वो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। उन्होंने
उद्योग और श्रमिक के बीच में सहयोग की बात दिया, उन्होंने मजदूरों के हित की बात कहा, उनकी डिसेंट लाइफ की बात कहा, जो आज भी उतने ही महत्वपूर्ण है, जिसमें इंडस्ट्री का भी विकास हो और मजदूर का भी विकास हो। धन्यवाद।